स्टैंडर्ड सीबीएसई मधुबन सरल हिंदी पाठमाला टेक्स्ट का वर्कबुक है। इसमें हम पार्ट 15 कानन वन में उत्सव कहानी देखेंगे। पार्ट 15 कानन वन में उत्सव। देखो सूरज नित्य नियम से किरणों से नहलाता है और चांद भी नील गगन से शीतलता पहुंचता है। कानन वन की पाठशाला में सभी जानवर प्रातः सभा का गीत गा रहे थे। गीत समाप्त होने पर हाथी ने ब्लैकबोर्ड पेड़ के नीचे रखा। बंदर चाक लेकर आ गया। पाठशाला में रोज नई नई गतिविधियां होती थी। सभी जानवरों को इनमें बहुत आनंद आता था। वे पढ़ चढ़कर इनमें हिस्सा लेते, एक दूसरे की मदद करते और मिलजुल कर सीखते। लालू सर के आते ही सबने शुभ प्रभात कहा और शांति से अपनी जगह बैठ गए। बालू सर ने घोषणा की, अगले सप्ताह हमारी पाठशाला का वार्षिक उत्सव होगा। हम सबको मिलकर उसी की तैयारी करनी है। आप सब आपस में विचार करने कार्यक्रम की योजना बना ले। सभी काम भी आपस में बांट ले। घोषणा सुनकर सभी जानवर चहक उठे और पूरे उत्साह से उत्सव की तैयारी में जुट गए। वन के जानवरों को उत्सव का निमंत्रण भेज दिया गया। आखिर उत्सव का दिन आ ही गया। सियार और कुत्ते ने मिलकर पाठशाला के आसपास की सफाई कर दी। हाथी ने अपनी सूंड में पानी लाकर छिड़काव किया। लकड़ी के लट्टे और तख्तों को जोड़कर एक मंच बनाया। तितलियों ने फूलों की माला और पत्तों के बंधनवार बनाकर सजावट कर दी। कुछ तितलियां मंच के पीछे लगे पर्दों पर भी बैठ गई, जिससे मंच और सुंदर दिखाई देने लगा था। बंदर खरगोश और मधुमक्खी खाने पीने का इंतजाम देख रहे थे। खाने के लिए स्वादिष्ट शहद केले अंगूर गाजरे मेजों पर सजा दिए गए थे। एक और कुछ घड़ों में पीने के लिए गन्ने का रस भी रखा था। वन के सभी जानवर कार्यक्रम देखने पहुंच गए थे। लाल रंग की जैकेट में सजे शेरू ने माइक संभाल लिया था। मुख्य अतिथि के नाम की घोषणा के साथ उत्सव शुरू हुआ। बालू सर ने स्टूल पर चढ़कर ऊन दादा के गले में माला पहनाई। तितलियों ने गड़गड़ाहट के साथ सबने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। अब बारी थी मनोरंजन की। शेरू ने सबसे पहले मोर के नाम की घोषणा की। मुकुट लगाए मोर मंच पर आया और रंग बिरंगे पंख फैलाकर नृत्य किया। उसके नृत्य ने सबका मन मोह लिया। इसके बाद गिलहरी हिरण और
लोमड़ी ने नाटक प्रस्तुत किया। नाटक बहुत रोचक था। बिल्ली के चुटकुले सुनकर सभी दर्शक हंसते हंसते लोटपोट हो गए। चूहे राम और चिड़िया रानी ने मंच पर आकर कविताएं सुनाई। बुलबुल की पहेलियों ने तो सबको चक्कर में ही डाल दिया। सभी दर्शकों ने कार्यक्रम की बहुत प्रशंसा की। अंत में भालू सर ने मंच पर आकर कहा, आप सभी को सहयोग से यह कार्यक्रम सफल हुआ है, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। शेरू ने सभी से खाना खाने के लिए चलने का अनुरोध किया। सबने बढ़िया खाने की चीजों का आनंद लिया। इस तरह हंसी खुशी कानन वन की पाठशाला का उत्सव समाप्त हुआ। अभ्यास शब्द अर्थ उत्सव समारोह फंक्शन नित्य रोज डेली आनंद मजा खुशी एंजॉयमेंट वार्षिक वर्ष में एक बार होने वाला एनुअल योजना काम करने का विचार प्लान उत्साह जोश उमंग एंथुसियासम निमंत्रण बुलावा न्योता इनविटेशन नृत्य नाच डांस दर्शक देखने वाले ऑडियंस मुहावरा चक्कर में डाल देना सोचने पर मजबूर कर देना पार्ट बोर्ड प्रश्नों के उत्तर दो आंसर दिस क्वेश्चंस मौखिक कानन वन की पाठशाला में सब किस प्रकार सीखते थे बालू सर ने क्या घोषणा की तितलियों ने मंच की सजावट कैसे की उत्सव में कौन कौन से कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए लिखित बालू सर द्वारा की गई घोषणा सुनकर सबने क्या किया बालू सर द्वारा की गई घोषणा सुनकर सभी जानवर पूरे उत्साह से उत्सव की तैयारी में जुट गए हाथी ने मंच कैसे बनाया हाथी ने लकड़ी के लट्टे और तख्ते को जोड़कर मंच बनाया उत्सव में खाने पीने के लिए कौन कौन सी चीजें थी उत्सव में खाने पीने के लिए स्वादिष्ट शहद केले अंगूर गाजरे और पानी पीने के लिए गन्ने का रस था उत्सव की शुरुआत कैसे हुई उत्सव की शुरुआत मुख्य अतिथि ऊंट दादा के गले में माला पहनाकर की गई अंत में बालू सर ने मंच पर आकर क्या कहा अंत में बालू सर ने मंच पर आकर सभी को सहयोग से कार्यक्रम सफल होने की बधाई दी और सभी को धन्यवाद दिया खाली जगह भरो फिल इन द ब्लैंक्स बंदर चौंक लेकर आया सबको वार्षिक उत्सव की तैयारी करनी थी शेरू ने माइक संभाल लिया मोर ने रंग बिरंगे पंख फैलाकर नृत्य किया सबने बढ़िया खाने का आनंद लिया भाषा ज्ञान बहुवचन लिखो राइट द प्लूरल्स तितली तितलियां माला मालाएं बिल्ली बिल्लियां कविता कविताएं पत्ता पत्ते चिड़िया चिड़ियों गड़ा गड़े किरण किरणे संज्ञा शब्दों को पाठ में आए इनके विशेषणों से मिलाओ मैच दीज नाउंस विद एडजेक्टिव्स वार्षिक उत्सव मुख्य अतिथि रोचक नाटक नील गगन स्वादिष्ट शहद रंग बिरंगे पंख किसकी आवाज कैसी रेखा खींचकर मिलाओ मैच द पिक्चर्स विद इट साउंड्स क्वे क्वे की की ची ची बाउ बाउ हीन हीन टे टे मुहावरे के आगे उनके सही अर्थ चुनकर लिखो
choose and write the meanings of idioms. आग का तारा बहुत प्यारा, पेट में चूहे कूदना बहुत भूख लगना, तुम दबाकर भागना डर कर भाग जाना, आसमान सिर पर उठाना बहुत शोर मचाना, आग बबूला होना बहुत गुस्सा होना। पाठ से शब्दों के जोड़े ढूंढकर लिखो, फाइंड वर्ड पेयर्स एंड राइट्स, नई नई रंग बिरंगे लोटपोट आसपास हंसी खुशी एक दूसरा, सोचो और लिखो, अपने जन्मदिन पर सबको बुलाने के लिए एक निमंत्रण पत्र लिखो, राइट एन इनविटेशन लेटर, प्रिय मित्रों इस रविवार को मेरी जन्मदिन है, हम सब मिलकर खेलेंगे नाचेंगे गाएंगे और मस्ती करेंगे, मुझे आप सबकी आने की प्रतीक्षा रहेगी, तुम्हारी मित्र अक्षरा। कुछ करने को, आपके विद्यालय में चित्रकला प्रदर्शनी आर्ट एग्जीबिशन होने वाली है, इसकी सूचना देने के लिए पोस्टर बनाओ। हिंदी की गिनती अंकों और शब्दों में, आओ हिंदी की गिनती पढ़े और सीखे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस, इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सताईस अट्ठाईस उनतीस तीस, इकतीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस अड़तीस उनतालीस चालीस, इकतालीस बयालीस तैंतालीस चवालीस पैंतालीस छियालीस सैंतालीस अड़तालीस उनचास पचास। हर महीने में कितने दिन होते हैं लिखो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, वर्ष में 12 महीने, सप्ताह में 7 दिन, एक वर्ष में 365 दिन, लीप ईयर की फरवरी में 29 दिन। शब्दों का खेल, चित्रों की मदद से शब्द लड़ी बनाओ, मेक अ वर्ड चेन विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स, हंस 87 सीटी टीला रंग बुकुरी, अब चित्रों की मदद से शब्द सीढ़ी बनाओ, मेक अ वर्ड लैडर विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स, किताब बतख खरबूजा जाल ताला लता। रोचक तथ्य, ऊंट की 3 पलकें होती है, हाथी ऐसा अकेला जानवर है जो कूद नहीं सकता, चीते का फर और त्वचा दोनों ही धारीदार होते हैं, केवल तोता और खरगोश ही बिना गर्दन घुमाए पीछे देख सकते हैं, गोल्डफिश को अंधेरे कमरे में रखने पर उसका रंग सफेद हो जाता है, चूहों को 5वीं मंजिल से गिरने पर भी चोट नहीं लगती, गिलहरी जितनी तेजी से जमीन पर दौड़ती है उससे कई अधिक तेजी से पेड़ पर चढ़ सकती है, घोड़े की नाक का सींग दरअसल घने बालों का एक गुच्छा है, मच्छर के 47 दांत होते हैं। भारत के अभयारण्य, ये अभयारण्य जिन प्रदेशों में स्थित है उनके नाम पता करो और लिखो, अभ्यारण और राज्य, जिम कॉर्बेट उत्तर प्रदेश, रणथम बोर राजस्थान, गिर गुजरात, संजय गांधी महाराष्ट्र। अभयारण्य और राज्य, परियार केरल, कान्हा मध्य प्रदेश, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, काजीरंगा आसाम। बोल बोल कर सुंदर लेख में लिखो, डाल
डलियां, डमरू, डाकिया, पेड़, सड़क, खिड़की, कपड़ा, ढकना, डेर, डेला, डफली, पढ़ाई, चढ़ना, बढ़ना, सीढ़ी, कक्षा, रक्षा, क्षमा, पक्षी, पत्र, सत्र, चित्र, मित्र, ज्ञान, आज्ञा, परिश्रम, श्रीमान। इन शब्दों से वाक्य बनाओ। रास्ता, यह रास्ता बहुत सरल है। नन्हे, नन्हे बच्चों को आग से सावधान रहना चाहिए। क्यारी, वह फूलों की क्यारी सबसे सुंदर है। प्यारी, वह बहुत प्यारी है। अच्छा, सुंदर अच्छा लड़का है। मक्खन, कान्हा मक्खन खाता है। धन्यवाद, हमें धन्यवाद कहना चाहिए। बच्चा, वह बच्चा बहुत छोटा है। पत्ता, हम पत्तों से जड़ी बूटियां निकालते हैं। छुट्टी, कल हमारा पाठशाला छुट्टी है। प्रत्येक चित्र के बारे में 5 वाक्य लिखो। यह बगीचा बहुत सुंदर है। बहुत सारे आम के और सेब के फूल फल है। माली पेड़ पौधों को पानी डालता है। पक्षी पक्षियां यहाँ आते रहते हैं। पक्षी मोर है। मोर हमारा राष्ट्र पक्षी है। मोर वर्षा में नाचते हैं। रंग बिरंगे पंखों को फैलाकर नाचता है। वर्तनी, इन शब्दों को ध्यान से देखो, शुद्ध रूप को पढ़ो और लिखो। शुद्ध, धरती, खुशबू, बाजार, प्रसन्न, मिठाइयाँ, चिड़ियाघर, आइसक्रीम, बतख, हंसी, ढूंढना, हरियाली, ऋतु, ज्ञान, बारिश, चीटियाँ, प्रश्न, वर्षा, ड्रामा। इधर थर्ड स्टैंडर्ड CBSE मधुबन सरल हिंदी पाठमाला टेक्स्ट कम वर्कबुक समाप्त होता है। धन्यवाद।